हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ये जो शेयर है अभी अप ट्रेंड बना रहा है या फिर डाउन ट्रेंड बना रहा है। अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है तो ये कितने परसेंट तक का गेन किया है, और अगर ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो कितने परसेंट से डाउन में चल रहा है, और जब अगले दिन मार्केट ओपन होगा तो ये अप ट्रेंड बनाएगा या फिर डाउन ट्रेंड, हम इसमें ये भी क्लियर करेंगे। तो गाइज, अगर आप बिगिनर्स हैं और आप किसी भी शेयर को कंफर्म बाय नहीं कर पाते तो गाइज आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। चैनल पे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में आइएगा। प्लेलिस्ट में आते हैं आपको ये दो लिस्ट मिलेंगे। अगर आप ब्लू चिपर स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स करना चाहते हो गाइज, यहाँ जो फर्स्ट वाले लिस्ट में जो मैंने आपके साथ शेयर कन्फर्म किया है, आप खुद से शेयर को कन्फर्म कर सकते हैं और शेयर को बाय करने के बाद अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड वाले शेयर को बाई करना चाहते हो गाइस, सेकंड वाले लिस्ट में मैंने जो शेयर आपके साथ क्लियर किया, आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस, इस तरह का मैं प्रतिदिन एक शेयर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप उस शेयर को बाई कर सकते हैं, वो शेयर जो है आपको गाइस अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आज के इस वीडियो में इस शेयर के बारे में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किया है। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ ये फोर पॉइंट्स डिस्कस किया है। नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, मैंने आपके साथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस डिस्कस किया है। ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो इसका सपोर्ट क्या हो सकता है, कहाँ आने के बाद जो है वापस से अपने अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, और अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है तो इसका रेसिस्टेंस यानी कि टारगेट क्या हो सकता है, कहाँ जाने के बाद वापस से अपने डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ सकता है। नंबर सेकंड में हम देखेंगे इसका मूविंग एवरेज, ये 20 डे का, 50 डे का और 100 डे का मूविंग एवरेज लगाकर मैंने आपके साथ क्लियर किया है कि इसका मूविंग एवरेज के अनुसार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या बन रहा है। नंबर थर्ड में हम देखेंगे इस आरएसआई, आरएसआई जो आपको बाई का सिग्नल या फिर सेल का सिग्नल यानी कि कौन सा सिग्नल अभी आपको ये प्रोवाइड करा रहा है, हम इसमें ये भी क्लियर करेंगे। और नंबर फोर में हम क्लियर करेंगे गाइस एमएसडी, एमएसडी जो अभी आपको कंफर्म बाई का सिग्नल या फिर कंफर्म सेल का सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा है, हम इसमें ये भी क्लियर करेंगे। तो गाइज इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स काफी क्लियरली डिस्कस किया है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और गाइज आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह के वीडियोज आपके साथ लेकर आता रहता हूँ, तो गाइज वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैंने 1 डे कैंडल के साथ हिंडाल्को इंडस्ट्री का चार्ट लगा रखा है और ये मैंने नॉर्मल कैंडल लगा रखा है। गाइज तो देख सकते हैं, इसने आज का जो कैंडल बनाया है वो बियरिश कैंडल बनाया है, और ये जो शेयर है -4.49% से ये जो अभी शेयर डाउन में चल रहा है। आप देख सकते हैं, इसने अपने फर्स्ट सपोर्ट को अचीव किया है और ये डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, और इसने आज का कैंडल भी बियरिश बनाया है और अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं, अगर इसी तरह आगे बढ़ता है तो अगले दिन हो सकता है अपने सपोर्ट को अचीव जरूर करेगा। गाइज तो अगले दिन अगर ये बियरिश कैंडल बन रहता है तो इसका सपोर्ट हो सकता है, फर्स्ट सपोर्ट मैं आपको क्लियर करूँ तो फर्स्ट सपोर्ट इसका होगा वो 369 का होगा, और अगर ये इसको ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इसका जो सेकंड सपोर्ट बन रहा है वो 344 का बन रहा है, और इसका थर्ड सपोर्ट की बात करूँ मैं तो आप देख सकते हैं इसका जो थर्ड सपोर्ट बन रहा है वो 307 का बन रहा है। गाइस तो इससे नीचे जाना चाहिए, अगर जाता है तो आप इसका सपोर्ट देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर ज्यादा ज्यादा होगा तो ये थर्ड सपोर्ट तक आ सकता है, क्योंकि ये थर्ड सपोर्ट भी काफी नीचे चला जाएगा गाइस, ये डाउन ट्रेंड काफी डाउन शेयर हो जाएगा, चला जाएगा डाउन में। तो अगर यहाँ से ये ट्रेंड है जो अभी इसने जो कैंडल बनाया है, अगर यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल करता है तो आप देख सकते हैं इसका टारगेट, तो मैं आपको क्लियर करूँ इसका फर्स्ट टारगेट जो बनेगा गाइस वो 406 का बनेगा, और इसका इसको अगर ये ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो इसको सेकेंड टारगेट आप देख सकते हैं जो 426 का आपके सामने क्लियरली बन रहा है। गाइज अगर बात करें अगले दिन के कैंडल की तो देख सकते हैं इसने अपना फर्स्ट सपोर्ट अचीव करके ये डाउन ट्रेंड बनाना शुरू किया, तो इसने आज का कैंडल भी बेयरिश बनाया और थोड़ा बड़ा ही बनाया है, तो हो सकता है अगले दिन भी आपको ये बेयरिश कैंडल ही देखने को मिले। तो लेकिन गाइज अगर मूविंग एवरेज की बात करो, देखिए मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, ये ब्लू वाला लाइन जो है 20 डे का मूविंग एवरेज है, येलो कलर का लाइन है 50 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड कलर का लाइन है ये 100 डे का मूविंग एवरेज है। तो गाइज आप देख सकते हैं इसने 20 के मूविंग एवरेज को अपना फर्स्ट सपोर्ट ये बना चुका है, आप देख सकते हैं इसने 20 के मूविंग एवरेज को अपना फर्स्ट सपोर्ट इसने अचीव कर लिया है। अगर ये इसी तरह आगे बढ़ता है तो अपना 50 और 100 के मूविंग एवरेज को भी अचीव कर सकता है। इसने जो 20 के मूविंग एवरेज को अचीव किया था वो 380 पे इसने 20 के मूविंग एवरेज को इसने अचीव कर लिया था, और अगर इसी तरह आगे बढ़ता है तो इसका सेकेंड सपोर्ट हो सकता है 50 का मूविंग एवरेज जो 356 पे अभी चल रहा है, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करके आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इसका जो 100 का मूविंग एवरेज है 315 पे हो सकता है आगे जाकर ये अपना थर्ड सपोर्ट इसको बनाए। तो आप देख सकते हैं इसने 20 के मूविंग एवरेज को अचीव कर लिया है, तो हो सकता है अगले दिन आपको बियरिश कैंडल भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करता है तो बुलिश कैंडल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इसने 20 के मूविंग एवरेज को अपना इसने यानी कि एक सपोर्ट को अचीव कर लिया है फिलहाल के लिए।
आप इसमें हर बार भी देख सकते हैं, इसने 20 के मूविंग एवरेज को अचीव करते हुए यानी कि सपोर्ट बनाते हुए अपने हर बार का ट्रेंड जो है रिवर्सल दिया है। यहाँ पे भी इसने अपने सपोर्ट को अचीव किया है, 20 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना लिया है, तो हो सकता है अगले दिन आपको ये बुलिश कैंडल देखने को मिले मूविंग एवरेज के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। तो गाइस अगर आरएसआई की बात करें तो देखिए मैंने आरएसआई लगा रखा है और ये आरएसआई का ग्राफ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं आरएसआई जो है ये आपको क्लियरली सेल का सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं इसने आपको लास्ट टाइम यहाँ पे बाई का सिग्नल प्रोवाइड किया था, देखिए यहाँ पे इसने डोजी कैंडल भी बनाया था और ये आपको वापस से सेल का सिग्नल यहाँ पे इसने प्रोवाइड कराया है। एक थोड़ा ही बड़ा कैंडल इसने डोजी का बनाया है लेकिन इसने आपको यहाँ पे बाई का सॉरी सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया और ये अभी आपको सेल का सिग्नल ही क्लियरली आपको सेल का सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहा है। आरएसआई जो अभी आपको सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस अगर एमएसडी की बात करें तो देखिए मैंने एमएसडी लगा रखा और ये मैंने एमएसडी का ग्राफ लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं एमएसडी जो है आपको 1 डे के कैंडल के साथ ये अभी अभी क्लियरली आपको सेल का सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है। आप देख सकते हैं एमएसडी अभी आपको क्लियरली सेल का सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है। तो गाइस अगर आपको कंफर्म क्लियर पता करना है तो गाइस मैं आपको 4 आवर में क्लियरली कंफर्म करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं एमएसडी को मैंने कंफर्म यानी 4 आवर में कन्वर्ट कर लिया है कैंडल को और ये 4 आवर में आपको क्लियरली सेल का सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है। आप देख सकते हैं ये 4 आवर में आपको क्लियरली सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, एमएसडी जो आपको सेल का सिग्नल क्लियरली प्रोवाइड करा रहा है 4 आवर के कैंडल के साथ। आप देख सकते हैं इसने लास्ट टाइम यहाँ पे सेल का सिग्नल क्लियर किया था और ये अभी तक आपको क्लियरली सेल का सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहा है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइस, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि गाइस हमारे जो नए अपडेट्स आते रहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉच।